आ जाएगी इस वाली ब्लैक कलर की डिज़ाइनर लो वेस्ट साड़ी का लुक, और आपको ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगी क्योंकि मैंने पहले भी आपको इस ब्लाउज़ का कट दिखा रखा है। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी खूबसूरत साड़ी है और ब्लैक कलर मुझे बहुत ही फेवरेट है। आई थिंक सो कि मतलब सबको ही ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। और मेरी इंस्टा रील देखने के लिए पूजा सुनी आप जा सकते हैं। मॉर्निंग, देखिए आज पार्टी का कॉम्बो सबका कैसा हो रहा है। तो मैं हूँ, ब्लैक तो सबके पास है, ब्लैक कॉम्बो। हैप्पी बर्थडे शर्मा जी। और ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, बस ये और दिए ना, सब जो लगा रखे बंद कर रखे हैं। हां, मायावती वाला नहीं, वेव सिटी वाला करा सर। इस साइड से लगा रखे तीन से। देखो टाइमिंग हो चुका है, तो क्या क्या खाना है सबको? मैं तो पहले खाऊंगा मलाई समोसा, फिर उसके बाद वहां जाके चाप की सब्जी, और देखेंगे एक दो चीजें। सुजन वहीं जाने के बाद डिसाइड करें। चलिए चलते हैं आपका व्यू। ये है एडोब, काफी बड़ी बिल्डिंग है। और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसके पीछे ही है स्पाइस। और ये बिल्डिंग काफी, जहाँ हम शिवम के बर्थडे के लिए गए थे, और अभी रिसेंटली हम एडमिशन के लिए जहाँ पे घूम रहे हैं वही एरिया है ये। खाना वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनाते हैं। क्या देखे, पकड़ रहा है ये छू वो छू, कौन सा वाला पापा? ये पहली डिश कंप्लीट आ गई हमारी वापस। ये सारा का सारा खाना हमारी खुद की चॉइसिंग का था, जिसको जो खाना था, किसी ने मलाई चाप मंगाई थी, मिक्स वेज मंगाई थी, और चिली पटेटो थे, और मलाई कोफ्ता, और आलू दम, पनीर दो प्याजा, और नॉन और तवे वाली रोटियां। तो जॉइन अस। और ये बनाई थी वीडियो मैंने घर पे आने के बाद। तो इसी तरह से हंसी खुशी ज़िंदगी काटते रहना चाहिए, लव लाइफ है प्यारी सी जो दी है भगवान ने, उसे हमेशा हंसते काटते चलते रहना चाहिए। ये आ रहा है सबकी चॉइस का, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। लंच आपने देखा था, हमने बाहर किया था। और ये सारे के सारे गोलगप्पे हैं, कुछ चिली पटेटो है, मसाला डोसा है। बाबू भैया के लिए क्या लाया? पनीर का। और चुनू दीदी के लिए? भैया के लिए बोल दियो। तो पहला सेलिब्रेशन आप देख चुके थे, जो हमने एडवांस पार्टी, सरप्राइज पार्टी जो मैंने पहले व्लॉग डाला था वो था। और आज है 1 जून, जो है शर्मा जी के बर्थडे वाला दिन। तो ये देखिए किस तरह से सेलिब्रेट किया हमारी ही मार्केट में, वो देखिए आप। और देखिए जो भी शर्मा जी से प्यार करते हैं वो सारे के सारे इकट्ठा हो चुके हैं। पार्टी वगैरह इनकी भी अलग से हुई थी, फिर एक दिन के बाद इन्होंने दी थी दोस्तों को पार्टी, तो कंटिन्यू हमारे 2-3 पार्टी स्टार्ट हो गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, जय भगवान परशुराम की जय। भारत माता की जय। Yeah!
और देखिए कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन है और उसी तरह से जय जयकार हो रही है क्योंकि शर्मा जी हैं को अध्यक्ष इन हिंदू युवा वाहिनी जय श्री परशुराम और उसी का नारा लगाते हुए ये कंटिन्यू अपने बर्थडे का स्टार्टअप कर चुके हैं। तो इसी तरह से तो गाइस जब भी मेरा मीठा खाने के लिए कुछ भी मन करता है तो मैं और शिवम अभी आए हैं मार्केट से। मार्केट टाइमिंग देखिए आप कितना हो रहा है, 11:30 टाइमिंग हो रहा है और PM है, मतलब देखिए रात हो रही है रात। लेकिन मार्केट हमेशा हमारे यहाँ पे ओपन रहती है तो उसी के साथ मैं क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मीठे में मुझे क्या पसंद है। और मुझे मीठा मतलब जस्ट खाने के बाद थोड़ा सा मीठा जरूर चाहिए, उस मीठे में मैं क्या खाती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने बनवाई है उन भैया से स्पेशल जलेबियाँ और बिल्कुल गोल गोल करारी करारी बिल्कुल पतली पतली जलेबियाँ उन्होंने बना के दिया मुझे। और मुझे मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे जलेबियाँ गरम गरम बहुत ज़्यादा पसंद है। स्वीट भाई आप बताइए कैसा है टेस्ट? आवाज आप सुन रहे होंगे, एक मिनट। यम्मी टेस्टी, आप भी इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं रात के 11 बजे। किस किस को जलेबी पसंद है? आई लव जलेबी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 2 बज रहे हैं, बच्चों ने खाना खा लिया, अचानक मेरा मन हुआ कि मैं बना लूँ अपना ये तहरी। तो तहरी बनाई है मैंने और ये है मेरा लौनी, क्योंकि बच्चों ने खाया था चटनी लौनी और छाछ के साथ। जिन जिनको मेरी वीडियो जो देखते हैं उनको सबको पता है कि मुझे चाय बहुत पसंद है तो मैंने बनाई है चाय। तो मैं करने जा रही हूँ लंच, तो मिलते हैं अपने आगे के ब्लॉग के साथ। कंटिन्यू दोबारा। आ गई मैं कितनी प्यारी सी डिजाइनर सी ब्लाउज लेके। ये रही मेरी डिजाइनर ब्लाउज और जिसने मेरे ब्लॉग में नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं इस तरह का डिजाइन है, इस तरह की ब्लाउज है। और ये है मेरी ब्लैक कलर की लो वेस्ट साड़ी का लुक, बड़ा ही प्यारा और अतरंगी सा। तो जैसे कि ब्लाउज पूरा कवर कर रही है ना तो इसमें मुझे ज़्यादा टच देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरह से भी ओपन लुक ले सकती हूँ इसका। और आप देख सकते हैं ये वैसे भी बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि ब्लैक कलर तो ऑब्वियस माई लवली कलर। और उसके बाद थोड़ा सा टच करती हूँ रिंग माई बैंगल दिस एंड दिस वन ऑल्सो, सी माई इयर रिंग्स, ओके एंड देन सम डिओड्रेंट दिस वन एंड दिस इज माई लिप कलर ज़्यादा टचअप नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियों के मौसम में मेकअप ज़्यादा नहीं चलता है, नेचुरल लुक चलता है आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा फाइनली काजल। तो आप कहते हैं कई बार कि मतलब कैमरे को जितना हो सके पास लीजिए, तो मैंने सोचा आज क्लोज करके ही लुक लेते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, इसके बाद हम करेंगे इसे ओपन पल्लूंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट फंडा है, मैं अपने आप में काफ़ी खुश रहती हूँ, जो अपने आप में खुश रहते हैं उन्हें कभी भी किसी से शिकायत नहीं होती है। तो मुझे कभी भी किसी से शिकायत नहीं रहती है और कभी भी कोई भी मुझे किसी भी तरह की एडवाइस या नया लाइफ में घुसने की कोशिश करता है तो उस समय हमेशा ही बोलती हूँ अपने में खुश रही है, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। ब्लैक कलर इज माई लवली कलर सो आई लव दिस कलर एंड ये साड़ी मेरी मम्मी की साड़ी है। तो आपको पता है इसका लुक और परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो चलिए चलते हैं करते हैं इंजॉय इस साड़ी। बर्थडे का फर्स्ट ब्लॉग आ चुका है और सेकंड ब्लॉग आना बाकी है तो उसमें हम क्या करेंगे इस टच को लेके
यहाँ पे हमारी पिन लगा दी है और फिर मैं लेके चलूँगी आपको जो बर्थडे का वो था ना क्लोजअप उसको मैं हटाऊंगी आज। देखिए ये जो प्रिपरेशन है ये अभी आपको इस तरह से दिखाई दे रही है और थोड़ी देर में इसको मैं फिनिश करने वाली हूँ जैसे कि धीरे धीरे ये उतार देंगे। रुक एक फोटो तो देखिए नेचर के साथ कितनी प्यारी सी मेमोरियाँ हमेशा बनी रहती है। आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी होंगी, घर के बाहर मेरी काफ़ी ग्रीनरी ऑलवेज रहती है और ये है मनी प्लांट का प्लांट और ये है तुलसी माता। तो इसी तरह से अपना टाइम इन्वेस्ट मैं करती रहती हूँ इन्हीं के साथ और ये खुशियों के पल ऐसे ही आते रहें। आप भी अपनी लाइफ में खुश रहें और शर्मा जी को हमारी तरफ से अगेन हैप्पी बर्थडे। तो आपको मेरा ये ब्लॉग, ये साड़ी की ड्रैपिंग, लोवेस साड़ी लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की सुंदर सुंदर साड़ियों का व्यूज़ आपको मिलता रहेगा। बर्थडे ब्लॉग काफ़ी अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा और ये सफ़र इसी तरह से चलता रहे। बाय बाय। ये होती है परफेक्ट डिज़ाइनर साड़ी लुक। माय इयररिंग्स, माय नेल पेंट देखिए कलर के साथ मैचिंग है तो इसे कहते हैं परफेक्ट लुक। ये होती है परफेक्ट साड़ी इन लो वेस्ट लुक और ये है इसका तो दिखाइए, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए तो इसी लुक के साथ ये भी डिज़ाइनर मैंने ब्लाउज सिलवाया था, आपने देखा ही होगा। तो इस लुक के साथ आपको मेरा ये लुक कैसा लगा और इसी साड़ी की ब्लाउज के साथ मैं आपको दूसरा ब्लॉग जरूर दिखाऊंगी। तो ये है इसका क्लोज लुक। ये होती है रियर लोवेस साड़ी, ड्रैपिंग इस टाइप से होती है इसकी। तो बाय। और फिर आज क्या होगा कि मैं इसी साड़ी के लुक के साथ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरे को दूसरी वीडियो कल तक आपको ड्रैपिंग कर देनी है इस लोवेस साड़ी के साथ। तो फिर देखिए डिज़ाइनर ब्लाउज है, काफ़ी अच्छी स्टिच की हुई है, फिटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है और आज इसी को मैं सारा यहाँ से चेंजमेंट पहले से जैसा मेरा हो रखा था उसी तरह से कर दूँगी और फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट साड़ी के साथ। तो ये थी मेरी ब्लैक कलर की अतरंगी डिज़ाइनर लोवेस साड़ी ड्रैपिंग विद माई छोटू सा मेकअप लुक। तो चलते हैं, करते हैं इंजॉय अपने और ब्लॉग्स। बाय बाय। तो गाइस जैसे कि छुट्टियां पड़ रही है तो सुजल ने बनाई है आज इतनी टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी चीजी चीजी मैगी। कितनी मेल्टिंग हो रही है ये और सेजल भी कुछ बना रहा है किचन में, देखिए वो भी दिखाएगा अभी कि वो क्या बना रहा है। तो जिसका जो मन हो वही बनाते रहते हैं छुट्टियों में और इसी तरह से छुट्टियां स्पेंड करते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो आप भी वैसे देख रेख में रहें कि मतलब गैस वगैरह बच्चे चला रहे हैं तो सेफ्टी बराबर होनी चाहिए और उन्हें देखते रहें। देखिए ये आ गया, अभी दिखा रहे अभी बनना बाकी। ये चाट मसाला मेल्ट करके अच्छा ये बना रहा है पोटैटो। नहीं अभी ये बन, और भी चीजें डालूंगा इसमें। फ्राइड पोटैटो है तो काफी अच्छे बढ़िया। कुछ ना कुछ नई चीजें बच्चे बनाते रहे इसी तरह से एंजॉय होता रहेगा और टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, छुट्टियों की पता भी नहीं लगेगी और एक तरह से बिजी रहेंगे। बेस्ट एंड नाइस डिसीजन फॉर दिस। और ये इसने मिला लिया और ये तीनों इस टाइम काफी खुश हैं, खा पी के मजे। तो गाइस जैसे कि मेरा एक फैमिली चैनल है ये और जिसमें मैं हर तरह से अपनी फैमिली के साथ भी व्लॉग्स करती रहती हूँ कंटिन्यू विद साड़ीज। और तो थैंक यू सो मच ऑल माय फैमिली जो मेरे व्लॉग्स को भी देखते हैं, इंजॉय भी करते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं
कि आप साड़ी में काफ़ी सुंदर लगते हो और फैमिली भी, और अभी मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी फैमिली बन चुकी है उनके लिए भी थैंक यू। और आगे देखिए, मैंने ये वाला वही है जो मैंने बर्थडे में ड्रेस डाली थी, तो ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर है। तो इन्जॉय योर लाइफ, ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ। बाय बाय, थैंक यू।